मैं अपने बंद कमरे में पड़ा हूँ और एक दीवार पर नज़रें जमाए मनाजिर के अजूबे देखता हूँ। इसी दीवार में कोई खला है मुझे जो गार जैसा लग रहा है। वहाँ मकड़ी ने जाला बुन लिया है और अब अपने ही जाले में फंसी है। इसी में एक मुर्दा छिपकली है कई सदियों से जो साकित पड़ी है। इसी में एक मुर्दा छिपकली है कई सदियों से जो साकित पड़ी है। अब उस पर काई जमती जा रही है और इसमें एक जंगल दिख रहा है। दरख्तों से परिंदे गिर रहे हैं, कुल्हाड़ी शाख पर लटकी हुई है, लकड़हारे पे गीदड़ हंस रहे हैं। मुसलसल तेज बारिश हो रही है, किसी पत्ते से गिरकर एक कतरा अचानक एक समंदर बन गया है। समंदर नाव से लड़ने लगा है, मछेरा मछलियों में घिर गया है और अब पतवार सीने से लगाकर वो नीले आसमां को देखता है जो एकदम जर्द पड़ता जा रहा है। सो ऐसे रेत बुनता जा रहा है, मुझे अब सिर्फ सहरा दिख रहा है और इसमें धूप की चादर बिछी है। वो चादर एक जगह से फट रही है जहाँ अब एक साया नाचता है। जहाँ भी पैर धरना है वहाँ पर सुनहरे फूल खिलते जा रहे हैं। परों में जिनकी नीली रोशनी है जो हर पल तेज होती जा रही है। सो मेरी आँख में चुभने लगी है तो मैंने हाथ आँखों पर रखे हैं और अब उंगली हटाकर देखता हूँ। मैं अपने बंद कमरे में पड़ा हूँ और एक दीवार के आगे खड़ा हूँ। मैं अपने बंद कमरे में पड़ा हूँ और एक दीवार के आगे खड़ा हूँ।